हेलो फ्रेंड्स, मैं एमडी आपका स्वागत करता हूँ नेक्स्ट जेन डब्ल्यूएलएन वीडियो सीरीज में। तो अब तक आप हमने देखा कि आरएफ क्या होती हैं, वेव्स क्या होती हैं, वेव्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, आरएफ के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो ये इस बेसिक कोर्स का लास्ट वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि वायरलेस के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो डिवाइसेज होते हैं वो क्या क्या होते हैं। मतलब तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने जाना था फर्स्ट वीडियो में कि नेटवर्क वेयर डेटा इज नॉट बीइंग ट्रांसमिटेड वाया केबल बट ओवर द एयर यूजिंग आरएफ टेक्नोलॉजीज कॉल्ड वायरलेस लैन। तो जो भी डेटा कम्युनिकेशन ओवर द एयर होता है बिना केबल्स के, उसको हम वायरलेस लैन बोल देते हैं, ठीक है। और इसमें जो मेन जो कंपोनेंट होता है वो होता है निक। ये आपने वायर्ड में सुना होगा कि लैन कार्ड जो होता है, तो वायरलेस में भी एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, ठीक है। और ये आपके एग्जिस्टिंग हार्डवेयर के साथ कंपेटिबल होता है, ठीक है। अगर आपके पास डेस्कटॉप है कोई, ठीक है, आप उसमें वायरलेस निक लगा देते हैं और ये आपका वाईफाई इनेबल्ड कंप्यूटर या डेस्कटॉप बन जाता है। तो ये देखिए, ये आपका वायरलेस ऐसा निक होता है, ये डेस्कटॉप के अंदर आप लगा सकते हैं, ठीक है। वायरलेस लैन के लिए हमारी जो फ्रीक्वेंसीज होती है वो 2.4 GHz होती है और 5 GHz होती है। मतलब कि ये जो साइकल्स है 1 सेकेंड में 2.4 GHz होता है, गीगाहर्ट्स का होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में। तो ये देखिए, आप यहाँ पर एक कंपोनेंट है जिसका नाम है मिनी पीसीआई। मिनी पीसीआई जो आप देख रहे हैं, ये होता है लैपटॉप के लिए या नोटबुक्स के लिए कार्ड होता है, लैन कार्ड बोलते हैं इसको, ठीक है। ये आपका डेस्कटॉप के लिए होगा, ये इधर डेस्कटॉप के लिए होगा, और ये हमारा लैपटॉप या मिनी कंप्यूटर्स के लिए होता है। और ये जो कार्ड होता है, ये आपके जितने भी हैंड हैंड डिवाइसेस होते हैं ये उसमें भी लग जाता है। ये होता है हमारा वायरलेस राउटर, ठीक है, जिसे हम एक्सेस पॉइंट भी बोल देते हैं। एक्सेस पॉइंट जो होती है वो हमारी एंटरप्राइज जो होती है टर्म होती है, उसको बोल देते हैं कि एक्सेस पॉइंट। नहीं तो इन जनरल हम लोग उसको वायरलेस राउटर बोलते हैं, ठीक है। ये आपके डीलिंक के भी आते हैं, ये आपके सिस्को के भी आते हैं, ये आपके अरूबा के भी आते हैं, बहुत कंपनीज के आते हैं ये, ठीक है। तो ये काम कैसे करता है, तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ। अगर इस पिक्चर को देखेंगे, इसी को हम आगे इलेबोरेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका एक्सेस पॉइंट या एपी या फिर राउटर हुआ, ठीक है। अब आपका ये लैपटॉप हो गया, ये आपका कोई डेस्कटॉप हो गया, ये आपका कोई हैंड हेल्ड डिवाइस हो गया, ठीक है, या मोबाइल हो गया, लेट्स सपोज मोबाइल हो गया ये। तो अब यहाँ पे इस इंफ्रास्ट्रक्चर में हम ट्रांसमीटर और रिसीवर की बात कर रहे थे कि वो है क्या। सो इस केस में ये एक्ट करता है एज अ ट्रांसमीटर एज वेल एज रिसीवर। और इस आपके जो लैपटॉप और कंप्यूटर्स हैं वो भी एज अ ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों का काम करते हैं। तो हम ट्रांसीवर बोल देते हैं, ट्रांसीवर। ये ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों होते हैं। तो यहाँ से वेव्स जो है वो यहाँ जाती हैं, एपी, उस ये जो एपी या राउटर उसको प्रोसेस करता है, तब उस केस में ये रिसीवर होता है। जब ये ट्रांसमिट करता है तो ये रिसीवर बन जाता है लैपटॉप आपका। तो ये दोनों एक तरह से ट्रांसमिटर और रिसीवर का काम करते हैं। तो इसके अंदर जब हम आगे डीप में जाएंगे, और जैसे सी सी एन ए, सी डब्ल्यू एन ए वायरलेस के जब हम कोर्सेज में जाएंगे तो उसमें देखेंगे हम, इसमें एक और चीज़ होती है। सपोज कर आपके पास बहुत बड़ा इन्वायरमेंट है, सपोज कि आपके पास एक कमरा है, आपने उसमें एक राउटर लगा दिया। अगर आपके पास 50 कमरे हो तो आपको ये पूरा कवर करने के लिए आपको बहुत सारे राउटर्स की ज़रूरत पड़ेगी या एक्सेस पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इनको कैसे मैनेज करना है उसके लिए भी एक डिवाइस होता है, वो मैंने यहाँ पे शो नहीं किया हुआ, उसको बोलते हैं कंट्रोलर। तो ये कंट्रोलर जो होता है ये एक्सेस पॉइंट्स को मैनेज करता है। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में अपने सी सी एन ए या सी डब्ल्यू एन ए के कोर्सेज में हम देखेंगे। तो अभी तक के लिए आप बस यही समझिए कि वाईफाई में एक एक्सेस पॉइंट होता है और एक क्लाइंट होता है।
क्लाइंट जो कि आपका हैंडहेल्ड डिवाइस होगा या फिर आपका लैपटॉप रहेगा, कोई भी वायरलेस डिवाइस। तो इस कोर्स में इतना ही हम आपको बताना चाहते थे, और आई होप कि ये कोर्स आपको अच्छा लगा होगा। तो इस कोर्स में हमने यही सीखा कि वायरलेस लैन क्या होते हैं, कम्युनिकेशन फंडामेंटल के बारे में हमने जाना, आरएफ प्रोपोगेशन क्या होता है, वेव्स कैसे ट्रैवल करती हैं, अटेन्यूएशन लॉसेस एंड गेन क्या होते हैं, और आरएफ के कंपोनेंट क्या होते हैं, ट्रांसमीटर, रिसीवर होता है, ईआईआरपी होता है, या फिर इंटेंशनल रेडिएशंस क्या होते हैं, और वायरलेस लैन इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या यूज़ होता है, एक्सेस पॉइंट, कंट्रोलर्स, क्लाइंट, हैंडहेल्ड डिवाइसेस, निक कार्ड्स एंड सो ऑन। तो अगली सीरीज में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग नेक्स्ट जेन WLAN, बाय।